आज हमें सुख दुख की जिंदगी का पांचवा दिन है भाई। सुबह उठ के मन्नत यार भाई पानी छक, उसके बाद भाई फ्रेश हो गया मैं, चल दिया नीचे, मैंने बाहर लगड़ के देखा बूंद आने लग रही थी भाई। और उसके बाद भाई मैंने खाई ड्राई फ्रूट खाकर मैंने सारा गया कुछ एनर्जी अंदर जा रही है। के बाद चल पड़ी भाई बरोटा के साथ जंग, तो मैंने देखा हमारे स्लैब के ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बना दिया है और उसने बच्चे भी भाई दे दिए हैं, अंडे दे गए बच्चे लग रहा है, बच्चा भी दिख रहा था आज एक। और मैं चल दिया बाहर और शेरा भी भाई उठ कर तैयार हो लिया जाने भाई शेरा, पर इन तो कबूतर ने अंडे दे दिए भाई, आड़े तो चिंटू बरोटे ले लिया अंडे देने हो रहा था। और आज मैंने देखा हमारी गाय बिल्कुल भीगी हुई है, वो पूरा बारिश का मौसम गांध ले रही है। के भैया ना आज बारिश की वजह से फोन नहीं ले गया था खेत में, ये फोन लेना आया हुई घेर मार के दिखाता हूँ वीडियो। गाया कर दिया सारा काट, काम खत्म कर दिया, मोटर डी कभी मौसम खराब था, मेरी तुम सुनो तुम काटोगे गाया का सारा और थारा कट जाएगा हाथ, तो मेरी सुनो ध्यान दे बात, जो कंडा अपना यार मोटर यह है तो भाई जड़े भी हो सके जो कर आप ग्यारह न्यू लगावा हाँ तो आड़े बटन लगवाओ इसके लो जो थरा आराम तो हाथ को जय मेरा वो हाथ चट गया कंडाशे में चट्टे पाचे न्यू तो है नहीं, वो वापिस खींचन देगा तो आड़े ही आड़े खटका हम बंद कर सका ठीक है। तो पतीलो वो लगवाओ भाई तड़े थी हाथ थरा पोच जाओ है दूर होगा खटका बंद करेगा इतने तो खट देगा यो हाथ ने गण है कि कट्टे भी है गांव गल कट्टे तो इन बात का थोड़ा ध्यान रखो। मैंने भी यह चीज वीडियो में देखी थी फिर गंडा साड़े यो सेट करवाया जब भी तो मुन्ना आड़े लगवा लिए ये तो सारे और भाई फेर का बांध करना है हरा यार करेगा स्नान करेगा स्नान गाय खाने पे भैंस खाने पे ऐसी गुरु का नहीं नहाने पे खाना शुरू और चिंतू ने कर दिया नहाना शुरू। मिलते हैं आज भाई खाने में रोटी थी नूनी घी और दही का कटोरा और भाई वो है फिर बड़ताज, ये बढ़ते ना हमारी छाती बढ़ती है, मेरी माँ है या करवा रही है सारे काम। और इसी के साथ भाई मैं चल लिया अपनी बैठक की ओर, लेकिन पीछे तो आ रहा था थोड़ा हा मोर का शोर, ये बात बताऊंगा मैं जाकर और फिर भाई अपनी एंट्री होगी घेर में। और मैं चलिया फिर अपनी बैठक की ओर, छत पर बैठा था इतना सुथरा मोर, तो मैं बात बताऊंगा दो फिर। और इसके साथ भाई आज यार चल दिए गुड़गांव, तो भाई जागन एक भाई ने जूते की कंपनी लगाई है बहुत बड़ी, जागे मिलते हैं हम सारे। जय बाबा की जय बाबा की, तो राम राम भाई हम जा रहे हैं फिर जो जूते की कंपनी ला रही है गुरुजी, तब रास्ते में दोनों एक गाड़ी में मोहले थे, एक गाड़ी आगे चल रही है अपनी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और भाई इसी के साथ हम पहुंच गए गुड़गांव और भाई बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये होगा, अरे भाई यहाँ स्वागत है, अरे भाई सारे चीते आड़े पहुंच गए हैं ठीक है। और भाई इसी के साथ हम पहुंच गए भाई गुड़गांव में, अपने भैया का जूता का जो कंपनी उसके उद्घाटन थी वो कहती दिया भाई का रंगा रंगा मौसम हो रहा है उक्का वर्ण भाई जा रहा है तो थोड़ी क्लास ले लिया फिर आपने लगता है शाम में तुमने सपाटे दिखे हैं चिंटू बोलता है।
गुड़गांव पहुंचे पाछी देखियो भाई आगे का प्रोग्राम शुरू होगा के होगा तो भाई स्नैकी के जूते आगे मार्केट में एक नंबर के मैं पैर के देख लिए मजा हुआ प्रैक्टिस करनी है पैर रखे हैं पार्टी वेयर भी है भाई मजा होगा पैर पियाना देखियो आगे जूते आ गए मार्केट में हम आए कभी टेबल पर तो भाई एक थोड़े ब्रेन बड़े भाई हैं का कीर्ताई हैं सब ने भाई चिंटू उल्ताना ही राम राम ने भाई शरद भाई अपने बीच में जुटा कुछ बहुत ही अच्छा लेकर आए हैं इस ने भाई को रोक रहे ताकत पाने ने बेरा कोई और भी भाई इस महकमे में आगे ना आगे बढ़ सके है तो सारे भाई अंगा लगाओ हमारे बीच में भाई बहुत से इंस्टाग्राम यूट्यूबर बड़े बड़े स्टार बैठे हैं तो भाई कुछ करोगे तो आगे अच्छा रहेगा हमने बेनिफिट मिल रहा है चीजा का तो कुछ न कुछ करते रहो भाई जीवन में ये एक जीवन का हिस्सा है वो एक घर में पुराना ट्रैक्टर लिया है और भाई जितना भी खेती में हो ट्रैक्टर जब बीमार हो जाए मिस्त्री 1000 सारे रुपया न खा जाए भाई कई दिन हो गए घर में एक बड़ा इंसान था उनका बुढ़ा उनने देखा भाई ट्रैक्टर का तरपाल मार कर ओबरे में खड़ा करना पड़ेगा उन्होंने भाई ट्रैक्टर में तरपाल मारा ओबरे में खड़ा कर दिया थोड़े दिन पादशाह आया बूढ़े का छोरा मेरा बाबू 50,000 की भैंस बेची है मेरा राम तो बोल जा ट्रैक्टर ने सुन की तो सारे ने पी जाएगा और हमारे बीच में भाई दीपक वैद जी हैं ये भी दो विचार बताऊं किसी भाई का कोई तकलीफ है दिक्कत है तो बहुत अच्छे है भाई इनके यूएसपी कनाडा की स्टोर है बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदिक तो किसी भाई का तो कोई तकलीफ है तो और 10-15 मिनट आड़े हैं भाई आड़े भी देखा सके है बाकी और दो बात इन भी सुन लो हरिओम स्वागत होया और उसके बाद इप्सा लड़ने की तैयारी है
और भाई अब ऐसी जगह जा रहे हैं हम जहाँ हम आपको नहीं ले जा सकते, तो भाई थोड़ी देर में मिलते हैं, वर्कआउट अभी बाकी अपना। चीते भाई यान भाई राम राम, तर्रियात घड़ी होगी थी और भाई जा रहे थे बाहर, अरे यह काट दी पजा मेरे भाई, वर्कआउट आज भी नहीं छोड़ना है, जरूर करूंगा भाई के मुँह लता ही न धर लो भीतर, अरे चैन ने भी काट ले भी तो ठीक उड़े पाओगे ना मना आग यार चलना भाई। जी फीलिंग आ रही है चिंटू भाई, मजा आ रहा है बिल्कुल। यो भाई वर्कआउट देख लो, रात देखी जाती ना दन, जो काम करना है वो करना ही है बिल्कुल। आ गया 3 किलोमीटर की रेस मारता ये मारा का सपाटे मारा डंड मारा आज चपाटे मार दो कच्चा तो दाड़ा होती भी नान की पकड़िए बे एक ढाबा ले बस चपाटे मारने शुरू टाइम हो रहा था ज्यादा भाई, तो रनिंग करी रात ने फिर मारे थोड़े स्टेप सपाटे और फिर मारी डंड, तो भाई वर्कआउट नहीं छोड़ना, तुरंत प्रेम धरती हो जाओ कुछ भी होता हो, कोई किते ले जा रहा हो कोई परखना पड़ता भाई, किधर जा रहे हो आ रहे हो कोई दिक्कत ना, मारो जब वाय बात है, जब लड़ेगी जीदारी तो क्या करेगी तैयारी, तो जीदारी करनी पड़ेगी भाई, के माछा पानती तो कुछ खोना पड़ेगा और वो यो ही समय। अच्छा भाई राम राम, मिलते हैं कल, ये ब्लॉग भी रात ने साफ करवावा या ना करवावा, राम राम भाई सारे। लो भाई खाना खाने का टाइम हो गया, रात ज्यादा हो गई है, रोटी खावा ना, लग जाए कोई नहीं, आराम से लगा दे, कोई दिक्कत कोई।